साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 11 राजेंद्र पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। ये कार्यक्रम दयानंद मंडल की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें महामंत्री सुरेश तंवर, महिपाल रामपाल, सुशीला, चंचल, सुषमा व अन्य कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य लोग वहां पर उपस्थित रहे, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बाबा साहब द्वारा किए गए देश के हित में कार्यों को याद किया गया। निवर्तमान पार्षद योगेंद्र सारवा ने बाबा साहब द्वारा दलित समाज व देशवासियों व महिला के लिए दिए गए अधिकारों की सराहना की। बाबा साहब के नारे को जन जन तक पहुंचाने की बात कही, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई थी। हर साल 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब की पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हमने अपने वार्ड के अंदर विश्व रत्न भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस 3 जगह पर बनाया, जिसमें दयानंद मंडल के हमारे महामंत्री सुरेश तंवर जी, महिपाल जी और रामपाल जी और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा इसमें शरीक होकर ये प्रोग्राम बनाया और समाज में एक बाबा साहब का मैसेज जो छुआछूत के प्रति, शिक्षा के प्रति, संगठन के प्रति और संगठित होकर चलने का जो बाबा साहब ने हमें मूल मंत्र दिए हैं, उसका उस पर चर्चा हुई और लोगों को उसके बारे में बताया गया। बाबा साहब दलित समाज के ही नहीं, वो सभी समाज के नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया और सभी को साथ लेकर उन्होंने कार्य किया। इस दिन को मनाने के पीछे का कारण है बाबा साहब को सम्मान और श्रद्धांजलि देना। इस दिन देश और विदेशों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। गुरुग्राम से वी न्यूज के लिए विजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।